गाड़ी कहाँ है? घर पर है। गायत्री, हेलो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ये देख हमारी बस। चलो चलो जल्दी बस में चलो चलो। ओके okay, चल बाय। रीट याद है ना, मैं तुझसे कल ले लूंगी। चल बाय। मुझसे सिर्फ फोन पे ही बात करोगी, फेस टू फेस बात नहीं करोगी? देखो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, साइकिल का टायर उसके पैंट पे लग गया, मैंने उतर के साफ किया और सॉरी भी कहा। किसी को मारना गलत बात है, लेकिन मार खा के लेना भी गलत है। मैं क्या हूँ ये उसे दिखा दिया? कैसी लड़की है यार, छोटी सी बात पे मुंह फुलाए बैठी है। चलो चलो आ जाओ सब लोग, जल्दी आओ। बोलिए बोलिए, टिकट बोलिए। हाय हाय, चलो आगे बढ़ाओ। मैं घबरा गई हूँ। क्यों? तुम गुंडे हो? चलिए अगला स्टॉप आ रहा है, उतरने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए चलिए चलिए, जल्दी कीजिए। सभी लोग अपना बो किसी को संभालने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसे जरा संभालोगी? अगला स्टॉप डायमंड सिग्नल है। पेन। हेलो, ये क्या कर दिया? मेरे मोबाइल में जितना टॉप अप किया था वो सब वसूलना चाहती हो क्या? तुम्हें चाहिए तो बोलो, मैं लौटा दूंगा। थोड़ा समझो, अब पेन कैसे लौटाऊंगी? कल तुम्हें एक नया पेन खरीद के दे दूंगी। चलो ठीक है। गायत्री संभालना, ब्रांडेड पेन है। कल मेरा बर्थडे है, मैं वारुम्बकम बस स्टॉप पे वेट करूंगी। हाँ समझ गया, तांबर में उतरे हो? किस होटल में? हाँ रूम नंबर? हाँ 5। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट में एड्रेस लिख लेता हूँ। बॉस या? पेन है क्या? पेन? पेन तो नहीं है सर। बॉस एड्रेस लिख के वापस दे दूंगा, दो ना। हेलो बॉस, पेन प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस। नाम प्रिंस है और पास में एक पेन नहीं, चल। अरे प्रिंस से पेन का क्या लेना देना? तेंदुलकर होता तो क्रिकेटर बन जाता। अरे रुक। हेलो, नहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा वहीं पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। चलो ग्राउंड से बाहर निकलो। सर सर, यहाँ पर पिकनिक मनाने आए। सर यहाँ आते ही लड़की के चक्कर में मारा मारी कर बैठा। सर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं सबसे कहकर आया हूँ कि तू गोल्ड मेडल लेकर आएगा, ये है मेरी गलती। हे तू जा वरना मेरा पारा और चढ़ेगा। सर वो लोग कौन है ये मैं नहीं जानता, पहले उन्होंने हमला किया और तूने उसे खत्म किया। सुन पता है ना तुझे क्या बीमारी है? अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बाप से क्या कहूंगा? ए, गो, चला जाए यहाँ से और मेरे सामने मत आना। सर सर सर, बोला ना चा। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ए, इसको इधर लाओ। जाओ।
अरे यार, सर ने कुछ कहा क्या? अरे छोड़ ना यार, सर को तू जानता है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे, कूल डाउन। कल ग्राउंड पे आ जाना तू, सब ठीक हो जाएगा। भाई भाई, कल ना मुझे बहुत जरूरी काम है, सर से कहना मुझे बुखार है, किसी तरह संभाल लेना। अच्छा यार, ये तो बता, गायत्री ने कुछ कहा क्या? अरे यार, तुझे क्या करना है? जानना इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ऐसा जरूरी कुछ नहीं बोला। हाँ तो बोल देना। अब जो होना है वो तो कल ही होगा, कल गायत्री का बर्थडे जो है। उससे कोई भी काम दो कभी ठीक से नहीं करता, ऊपर से रूल्स सिखाता है। अंकल, म्यूजिक वाला कैंडल नहीं है क्या? 100 पीस। अरे इसे जो चाहिए उसे दे दो। पता नहीं ये गायत्री किस रास्ते से आने वाली है। हेलो बॉस, पहचाना मुझे? तुमने लिफ्ट दिया था। हाँ, पहचाना? हाँ पहचाना। तुम्हारा नाम क्या है? पप्पूगल। मेरा नाम दिनेश है। हाँ, उस दिन जल्दबाजी में थैंक्स बोलना भूल गया था, थैंक यू यार। हाँ ठीक है, मेरा घर पास में है, तुम चलो ना। अरे मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, समझा करो ना। हमारे घर पर छोटा सा फंक्शन है, चलो थोड़ी देर आके चले जाना। गिफ्ट देख कर ये मुझे घर पे फंक्शन के लिए बुला रहा है, लगता है इसकी नजर मेरे गिफ्ट पर है। बॉस, तुमने मेरी हेल्प की थी। चलो ना यार, इतना भाव क्यों खा रहे हो? तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, छोड़ो, थैंक यू। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए सारे मेहमान आ गए हैं, आप भी आइए। ठीक है। अंदर आ जाओ। अगर ये कैंडल नहीं लाता तो मेरी छोटी बहन मुझे जान से मार देती। गायत्री, ये मेरा फ्रेंड पूगल। हाय। ये बताओ, उस दिन तुमने क्या कहा था? सर सर, जल्दी चलिए, मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। तुम्हारे शहर में झूठ बोलकर काम निकालते हैं ना? क्या हुआ था? क्या बात है, एकदम सही जगह पे आ गया। थैंक यू, अपनी माँ को खिलाओ। हाँ, थैंक्स बेटा। भैया, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स आंटी, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स। बेटा सबको दो। इधर आ जा बेटा, आराम से सबको मिलेगा। एक मिनट रुकना। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट। ओके, ये तुम भी लो। क्या रे पूगल, गिफ्ट इसको क्यों दे दिया? केक खाऊं और गिफ्ट ना दूं तो बुरा लगता है ना, इसलिए। सच कह रहा है, अगर गिफ्ट नहीं देता ना तो तुझसे लड़ पड़ती वो। पापा, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा, जा। वो जो टीवी तुम लेने वाले थे, वो ले लिया मैंने। अच्छा अच्छा, जल्दी नुक्कड़ पर आओ। तो फिर मैं चलता हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है ठीक है अंकल। हाँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई। अच्छा बेटा। आंटी, मैं चलता हूँ। आजकल चीजों के भाव कितने गिर गए, ये सरकार आने के बाद काफी फर्क है। हाय। जल्दी से बैठ जाओ, पापा की ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। जो हुकुम सरकार, जैसी है आपकी मर्जी। ये हेडलाइट और इंडिकेटर दोनों बदल दो। नया वाला इसमें है जी। अच्छा, हम लोग पास में ही है।
उस दिन जो तुम्हारा झगड़ा हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो टायर की वजह से हुआ। उनके नकली नोट के धंधे के बारे में भैया ने पुलिस को बताया है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर पर भी आया था, तब भैया ने उनकी बेइज्जती की। इसीलिए वो जब भैया को मारने के लिए आए और तुमने उन्हें लिफ्ट दे के बचाया, उन्हें लगा तुम भैया के फ्रेंड हो, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला किया। अच्छा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है। और वो क्या है? तुम्हारे और मेरे बीच बायोलॉजी वर्कआउट हो गई है। ये क्या बायोलॉजी? सब लोग तो केमिस्ट्री वर्कआउट करते हैं। केमिस्ट्री वर्कआउट करके क्या करेंगे गायत्री? लैब में जैसे एक्सपेरिमेंट होता है वैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? बायोलॉजी वर्कआउट होगी तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की या फिर मेरे जैसा नौजवान लड़का इस दुनिया में आता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। Come on, pack up, Charles. Sir, जाओ उसे बुलाओ। जी। ये चल, सर बुला रहे हैं। जाओ। बॉयज, ऑन योर मार्क सेट गो। अगर टाइमिंग यही रही तो सातवीं पोजीशन भी नहीं मिलेगी। तो आज रात को ही घर चला जा, मैं तेरे पापा से बात कर लेता हूं। सुन, तू जो मेडल जीतेगा वो सिर्फ तेरा नहीं होगा, उसमें तेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष्य भी होगा। और मुझे नहीं लगता कि तू कर पाएगा। सर, मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं टाइम सुधार लूंगा। जाओ। पुगल, अगर तुम सच में मंजिल को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एकलव्य